rahim assalamualaikum all students i hope you all are doing good today we will learn about gauss's law we will see what it is its statement and uh, then i will explain important points and we will then move towards application of gauss's law and in today's lecture we will just apply gauss's law to one case uh, given in your book so starting with a topic in order to start और टू अंडरस्टैंड कॉज इज लॉर यू हैव टू रिव्यू द लास्ट पॉइंट ऑफ योर लास्ट लेक्चर एंड दैट वॉज जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लैक्स फाइंड किया था थ्रू अ क्लोज फेरिकल शेप सरफेस तो आप, आपको अगर उसका एक्सप्रेशन याद हो तो uh, वो एक्सप्रेशन क्यू ओवर एपसाइल ऑन नॉर्ट के इक्वल आया था और इस केस में सिर्फ एक चार्ज था पॉइंट चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक uh, फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा था अब अगर हमारे पास कोई क्लोज uh, शेप है और उसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट चार्जेस पड़े हैं तो सबसे पहले तो हम लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेप uh, क्या होगी क्लोज uh, सरफेस की इस पर फ्लैक्स डिपेंड नहीं करता लिहाजा ये शेप ली जाए या ये शेप ली जाए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दोनों से सेम रहेगा तो अगर आपके पास एक के बजाय अब एन नंबर ऑफ़ क्यू चार्जेस प्लेस कर दिए जाएं, तो आप इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं तमाम चार्जेस के लिए एड अप करके सो यू राइट यू वुड राइट इट एज़ क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू टू ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन अप टू क्यू एन ओवर एप्सिलॉन नॉट इफ़ यू हैव एन नंबर ऑफ़ पॉइंट चार्जेस इनक्लोज इन अ क्लोज शेप तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है वो वन ओवर एपसाइलॉन नॉट है और जब आप इसको कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा समेशन ऑफ ऑल चार्जेस तो ये वो तमाम चार्जेस हैं जो कि इस क्लोज शेप के अंदर इंक्लोज हैं लिहाजा हम इसको क्यू इनक्लोज की फॉर्म में लिखेंगे और चूंकि ये टोटल चार्ज है लिहाजा इसको स्मॉल नहीं कैपिटल क्यू से लिखा गया है ता, ताकि आपको समझने में आसानी हो अब ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इसको आ, इस पर थोड़ा गौर कर लीजिए तो ये एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली गॉजेज लॉ का एक्सप्रेशन कहलाता है और इस एक्सप्रेशन की मदद से अब हम गोजेज लॉ को डिफ़ाइन करेंगे तो गॉजेज लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक गॉजेज लॉ क्या है द फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस इज़ वन ओवर एप्साइलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट तो किसी भी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है वो वन ओवर एप्साइलॉन ना नाट टाइम्स है उस चार्ज के जो कि उसके अंदर इनकलोज है इनक्लोज चार्ज से याद रखिए कि अगर कोई पॉइंट चार्ज इस सरफेस से बाहर पड़ा हुआ है तो वो इनक्लोज चार्ज के अंदर शुमार नहीं होगा इनक्लोज चार्ज मींस से वही चार्जेस जो इस सरफेस के अंदर मौजूद हैं उन्हीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा सबसे पहले गॉजेज लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि गॉजेज लॉ को अप्लाई क्यों किया जाता है तो गॉजेज लॉ को हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पहला स्टेप है इस को इस्तेमाल करने का यूज़ करने का गॉजेज लॉ को वो ये है कि हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर रहे हैं उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अक्रॉस एक इमेजनरी क्लोज सरफेस कंसीडर कर लें इस क्लोज सरफेस को गोजन सरफेस कहा जाता है और इसकी कोई भी शेप हो सकती है कोई ऐसी शेप जिसको आपके लिए सॉल्व करना आसान हो स्फेरिकल शेप हो सकती है क्यूब हो सकता है सिलेंडर हो सकता है यानी कोई भी थ्री डायमेंशनल क्लोज शेप आप गोजन सरफेस के लिए ले सकते हैं सेकेंड स्टेप में आप ये करते हैं कि जब आपने एक दफ़ा सरफेस फ़िक्स कर दिए गॉज सरफेस तो फिर आप उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है उसको फाइंड करते हैं और चार्ज इनक्लोज फाइंड करने के बाद आप इजीली फ्लक्स की तरफ मूव करते हैं और फ्लक्स जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक लेकर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट आप यहाँ से फ़ाइंड कर सकते हैं तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू गॉज लॉक को इस्तेमाल किया जाता है तो आए हम इसको किसी एक एप्लीकेशन के लिए आज इस्तेमाल करके देखते हैं तो आपके पास फिगर आपको सामने नज़र आ रही है कि एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है लेकिन आपने उसको थ्री डायमेंशन में एक बॉल की तरह इमेजिन करना है ये एक हॉलो स्फियर है और इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रख दिए गए हैं डिस्पर्स कर दिए गए हैं हमारा काम यहाँ पर क्या है हमने इस आ, स्फेयर uh, से इस हॉलोस्फेयर से जो कि अंदर से आ, खाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है लेकिन किस पॉइंट पर इन साइड द होलोस्फेयर इस हॉलोस्फियर के अंदर किसी भी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम मान लेते हैं ये सेंट्रल पॉइंट जो है हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे अब इस परपज के लिए ये हमारा गिवन केस यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज़ हॉलो एंड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इज़ प्लेस्ड ऑन इट्स आउटर सरफ़ेस। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए जो है हमने सबसे पहले एक गॉर्ज सरफेस जो है वो कंसीडर करनी है क्योंकि हमारा हमारी जो सिमेट्री है यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री है लिहाजा हम जो सरफेस कंसीडर करेंगे वो भी एक स्फीयर ही होगा गॉर्जियन स्फीयर ठीक है और गॉर्ज स्फीयर का रेडियस क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है हम किस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए इन साइड अ हॉलोसफियर तो इसका मतलब है कि अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो हमने इस आर रेडियस से कम रेडियस का ए, ए, एक और स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसको हम गॉर्जियन सर्फेस कह रहे और इसका रेडियस आप आर प्राइम लिख रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आर, जो कैपिटल है वो ग्रेटर होना चाहिए एज़ कंपेयर टू आर प्राइम तो आर प्राइम मस्ट बी लेस देन द ओरिजिनल रेडियस ऑफ योर होलोस्फियर अब यहां पे हम गॉजेज लॉ अप्लाई करते हैं जब हमने गॉर्न सरफेस ले ली अब हम चार्ज इनक्लोज देखेंगे चार्ज इनक्लोज़ हमेशा हमने इस कंसीडर की हुई सरफेस के अंदर देखना है अब आप देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो यहाँ पर मौजूद है सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्यू इनक्लोज़्ड है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है और जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या आएगी वो भी ज़ीरो आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड अ होलो चार्ज फेयर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन भी कहा जाएगा तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी जो हमने देखी अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इसी तरह एक स्फीयर कंसीडर करना है अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर ये आपको रेडियस दिखा दिया गया है स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्पर्स है इस दफ़ा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करना है और रेडियस जो आपने गोजन सरफेस में आपको यहाँ दिखा रही हूँ ये ब्लैक सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है ये एक स्फीयर है जो गोजन सरफेस को ज़ाहिर कर रहा है इसका रेडियस आपने आर प्राइम रखना है सच दैट नाउ दिस टाइम आर इज़ लेस देन आर प्राइम आपकी गॉयन सरफेस का रेडियस बड़ा होना चाहिए आपके हॉलोसफेयर के रेडियस से तो आप इसको सॉल्व करें और इसका जो रिज़ल्ट है वो लिखें एक नीट सा सोलूशन बनाएं और उसके बाद वो रिज़ल्ट जो है वो गूगल क्लास में अपलोड कर दीजिए यहाँ पे आपके लेक्चर को मैं एंड करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एप्लीकेशन पे गाजेज लॉ को अप्लाई करेंगे थैंक यू सो मच